In today's video, I'm gonna talk about my skincare regimen nowadays, what kind of product I use, ये सब. तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी हमें स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम अभी आ रही है लाइक राइट क्योंकि मुझे अभी देखिए आप यहाँ पर पिंपल हो चुका है. तो मैं सोची कि आज मैं मेरा जो स्किन केयर रूटीन मैं अभी फॉलो कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. आप लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी और ऐसे ही टाइम पास के लिए देख लो वीडियो क्या है. अभी तो हमारे पास टाइम ही टाइम है. नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास बहुत सारे टाइम है क्योंकि अभी तो मैं सोची थी कि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी नो ऑफिस नो काम तो ऐसे ही पूरा दिन आराम करेंगे, लेकिन ये तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि नाउ आई हैव टू मैनेज माई किचन एज वेल एज साफ सफाई सब कुछ. तो अभी मेड भी छुट्टी पर है तो क्या करें, सब कुछ तो करना ही हमें है कि कुछ नहीं कर सकते हम तो. पर इसके बीच बीच हमें स्किन के केयर के लिए भी कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप देख ही सकते ऐसे वाला पिंपल आपको आ जाएगा. अभी मैं कुछ दिनों से कुछ नहीं कर रही थी, खाली घर के काम एंड ऑल ये सब कर रही थी तो हो गया मेरा पिंपल स्टार्ट. तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो शुरू करूँगी ना. तो इस सब के बीच कुछ तो ज़रूर अच्छा भी हुआ है, लाइक आवर एनवायरनमेंट गेटिंग फ्रेशर डे बाय डे. तो अभी हम जो भी स्किन में यूज़ करेंगे ना उसका इफ़ेक्ट बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ऐसे जब बहुत सारे पॉल्यूशन होता है बाहर में, धूल मिट्टी, और हम वहाँ से आते हैं फिर जो भी लगाते हैं वो कुछ कमाल ऐसे दिखाता नहीं है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट उसका मिलता नहीं है. तो ऐसे में यही एकदम सही वक्त है जब हमें स्किन में और हेयर में एक अच्छा सा अगर खास ग्लो भी चाहिए होगा तो हम अच्छे से अपना स्किन का केयर भी कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो एंड ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट माय स्किन केयर प्रोडक्ट. तो अभी मैं जो क्या हुआ अटक गया क्या तो ये अटक गया था. तो अभी मैं तो ऐसे क्या हो रहा है अभी, अगर आप लोगों को पता नहीं या आप लोगों सभी को पता होगा कि हमारा जो स्किन केयर में मेन जो तीन चीज़ है वो है फेस वॉश एंड देन टोनर एंड देन मॉइस्चराइज़र. तो ये हो गया हमारा मेन चीज़. तो और इसके बाद हमें जो करना है वो वीक में दो बार हमें कोई अच्छा सा पैक जो हमें सूट करता है ऐसा कुछ लगाना चाहिए, और एक हमें एक दिन वीक में स्क्रब करना चाहिए. स्क्रबिंग से क्या होता है, हमारा जो यहाँ पर जो डेड सेल होता है, ब्लैकहेड्स होता है या वाइट सेल्स होता है वो निकल जाता है. तो ये हमें फॉलो करना है पूरा वीक में, ठीक है. तो अभी मैं दिखाती हूँ मैं कैसे वाला फेस वॉश से अपने फेस जो है साफ करती हूँ. मैं अभी मेरा जो रिसेंट वाला फेस वॉश है वो है हिमालय वाला ब्लूबेरी वाला फेस वॉश. तो इसी को मैं अभी दो महीने से यूज़ कर रही हूँ और इसका मुझे फ़ायदा भी दिख रहा है. अभी एक दो छोटे छोटे पिंपल होता है क्योंकि मुझे ब्रेकआउट्स बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक बात तो है नहीं. तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ. उसके अलावा मैं और एक जो है फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो है क्लीन एंड क्लियर वाला फेस वॉश, वो भी मुझे अच्छे से सूट हो जाता है. तो ये है मेरा दो फेस वॉश. अगर आप लोग देख लीजिए जी आपको क्या पसंद आता है, आपको क्या सूट करता है. तो अगर आपके स्किन मेरी तरह पिंपल एक्ने प्रोन स्किन है तो आप लोग हिमालय का जो फेस वॉश है वो यूज़ कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देख लो. अगर आपको ब्लूबेरी वाला नहीं सूट आया तो आप लोग एक जो होता है चंदन वाला भी सूट देख सकते हो, या जो नीम फेस वॉश है, नीम फेस वॉश मुझे सबसे बढ़िया सूट होता है, उससे मुझे एक भी पिंपल नहीं होता है. तो वो आप एक बार ज़रूर देख लेना. तो ये हो गया फेस वॉश. फेस वॉश से मैं क्या करती हूँ, मैं जो दिन के वक्त होता है उस समय एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं टोनर यूज़ करती हूँ. अब आते हैं टोनर में. तो मैं कौन सा वाला टोनर यूज़ करती हूँ ये भी मैं आप लोगों के शेयर करूँगी. तो मेरे पास जो अभी रिसेंट वाला टोनर है वो है इनिसफ्री का ये वाला टोनर. अभी कैप वहाँ पर खुला हुआ है क्योंकि मैं अभी यूज़ करी थी ये. तो ये है इनिसफ्री वाला टोनर, जो इनिसफ्री ग्रीन टी सीड वाला टोनर है. ये बहुत ही अच्छा टोनर है. इसको मैं क्या करती हूँ, एक ये ऐसे वाला
जो कॉटन पैड होता है ना, इस ये वाला कॉटन पैड से एक कुछ ड्रॉप ले लेती हूँ और ऐसे 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 करके ड्रॉप करके पूरे स्किन में फेस वॉश करने के बाद लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका जो फेस वॉश के बाद जो पोर्स ओपन होता है ना, वो पोर्स अपने आप ही मिनिमलाइज हो जाता है और वो जो डार्ट है उसको अंदर घुसने नहीं देता है। तो आपका जो पिंपल का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है। तो ये टोनर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये टोनर थोड़ा सा प्राइजी है, तो इस अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं भी कभी कभी, मुझे भी ये यूज़ करना मैं भी प्रेफर नहीं करती वो हर रोज़। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन वो लगा लेती हूँ, एक दिन एक खादी वाला टोनर लगा लेती हूँ ऑल्टरनेटिव डेज में। आप देख सकते हो मेरा जो ये खादी वाला दिखाई दे रहा है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये खादी वाला टोनर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको भी अगर ये वाला बहुत महंगा लगता है तो आपको खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं एक DIY भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आपको अगर टोनर चाहिए तो ये वाला, आप मैं जानती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हर घर घर में ये वाला टोनर हमें हमारे घर में पास पड़ा ही रहता है। तो ये है सबसे इफ़ायती एंड बहुत ही ईजी तरीका टोनर को यूज़ करने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, ये टोनर डायरेक्टली अपने फेस पर लगा सकते हो तो भी प्रॉब्लम मिट जाएगा। अगर आप चाहो तो आपका जो फेस पैक होता है, लाइक मुल्तानी मिट्टी का अगर फेस पैक लगा रहे हो, या हल्दी का फेस पैक लगा रहे हो, या नीम का फेस पैक लगा रहे हो, तो उसमें कुछ ड्रॉप ये यूज़ कर लेना और उसको पानी में गोल अच्छे से जो है पैक बनाकर अपने मुंह में लगा लेना, तो उससे भी आपको एकदम सही फ़ायदा भी मिल जाएगा। तो आप टोनर में आप देख सकते हो, आपको जो भी चाहिए वो टोनर आप यूज़ करते सकते हो। मैं ये तीनों ही टोनर ऑल्टरनेटिव डेज में यूज़ करती हूँ। लाइक ये मैं पैक के साथ यूज़ करती हूँ और वो दोनों टोनर मैं ऐसे फेस वॉश के बाद यूज़ करती हूँ। तो ये होगा टोनर। अब आते हैं मॉइस्चराइज में। अभी आपको कौन सा वाला मॉइस्चराइज़र पसंद है वो ही आप लगाओ, कोई बात नहीं। आपको जो सूट होता है आप लगाओ, आप पॉन्ड्स का लगा सकते हो, निविया का लगा सकते हो, आपको जो पसंद है वो लगाओ। तो मैं अभी जो फेस ये यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं इनिसफ्री का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। देखिए इनिसफ्री ग्रीन टी, ये भी है, ये है इनिसफ्री ग्रीन टी स्लीपिंग मस्क। तो ये मैं अच्छे से, ये स्लीपिंग मास्क है फिर भी मैं इसको दोपहर को भी लगाती हूँ और रात को भी लगाती हूँ, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये जो है ना, ये मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत ही अच्छे से सूट हुआ है। अभी मैं इसको 6 महीने से लगा रही हूँ, ये ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो एक बार मुझे पे करना पड़ता है, बट ठीक है, उससे मैं अगर 6-7 महीने चला सकती हूँ तो क्या हुआ, इससे स्किन भी बहुत अच्छा रहता है। आपको देख ही रहा है मेरा स्किन का क्या हालत है, अगर मैं इसको 2 दिन ड्रॉप कर जाती हूँ तो हो जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा सूट हुआ है। इसके अलावा भी मैं और एक फेस जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करती हूँ, ये वाला, ये जो गुड वाइब्स का मल्टी विटामिन स्किन इन्हांस फेस क्रीम है, इसको भी मैं ऑल्टरनेटिव डेज में अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैं जो होता है ना, दोपहर को अगर चाहिए होता है मुझे कुछ स्किन में होता है, हमारे जो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है उसके लिए दोपहर में भी कुछ फेस क्रीम या कुछ सीरम ऐसे टाइप के कुछ लगाना पड़ता है, नहीं तो जो स्किन है पूरा ऐसे खिंचा खिंचा सा लगता है। तो दोपहर के वक्त मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और रात के बाद मैं इनिसफ्री का स्लीपिंग मास्क यूज़ कर लेती हूँ, इससे ही मुझे हो जाता है। तो अभी हमारा मेन स्टेप क्लियर हो गया, जो था क्या, हाँ, फेस वॉश एंड टोनर एंड मॉइस्चराइजर का स्टेप। वो उसके वो क्लियर होने के बाद हमारा और एक स्टेप आता है जो कि है ये वाला स्टेप, ये है स्क्रबिंग का स्टेप। तो ये आपको वीक में एक बार ही करना है, ये ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। हर रोज़ नहीं करना है, क्योंकि हर रोज़ अगर करोगे तो आपका स्किन बहुत ही खिंचा खिंचा सा लगेगा। तो हर रोज़ नहीं करना है, ये ज़रूर याद रखना, आपको वीक में एक ही बार करना है। तो मैं क्या करती हूँ, वीक में एक दिन ये वाला, एक वीक को ये वाला लिक्विड वाला कर लेती हूँ। एक कोरेक्स का है, BH ब्लैक एट पावर लिक्विड, ये वाला जो लिक्विड ही
स्क्रबिंग है वो उससे इसको मैं कॉटन पैड में लेके जस्ट ऐसे 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 करके हल्के हल्के हाथों से रब कर लेती हूँ, यहाँ पर जहाँ पर ब्लैक हेड्स होता है, जहाँ पर व्हाइट हेड्स होता है, अच्छे से रब कर लेती हूँ। और इसको थोड़ा सा ही चाहिए होता है, आप देख सकते हो मेरे पास अभी भी बहुत सारा है, और इसको भी मैं इजीली 6-7 महीने चला दूँगी, हो जाएगा। तो ये यूज़ कर लेती हूँ। और ऑल्टरनेटिव डेज में मैं ये वाला स्क्रब जो लिलैक का गुड वाइब्स का स्क्रब आता है, इफ़ यू कैन सी हाँ, तो ये वाला जो स्क्रब आता है ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसका आप थिकनेस आप देखिए, हाँ इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा स्क्रबिंग के बाद। अभी हमें चलना है और एक स्टेप में जो बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, विक में आप ये 2 बार कर सकते हो, पैक, जो मैं पैक यूज़ करती हूँ। तो अभी मेरा फेवरेट वाला पैक है ये वाला रोज़ पेटल्स वाला पैक। इसको मैं क्या करती हूँ, देख लीजिए, गुड वाइब्स का रोज़ पेटल वाला पैक। इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी लेती हूँ, वहाँ उस पर 2-3 चम्मच अच्छे से भर भर के मैं जो डाबर का रोज़ वाटर आता है वो डालती हूँ, उसके बाद ये वाला रोज़ पेटल वाला डालती हूँ, और उसके बाद पानी डाल के अच्छे से मिनरल वाटर वाला पानी ही आपको डालना चाहिए अगर आपको ये फेस अच्छे वाला फेस पैक लगाना है तो वो डाल के मैं अच्छे से पूरे हाथ से थोड़े 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 करके करके अच्छे से पूरे जो फेस है वहाँ पर भर देती हूँ। तो उसके बाद 10 मिनट तक रखती हूँ, और जो सूख जाता है तब मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो हो गया, ये है एक फेस पैक। तो अगर आपको मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक पसंद है तो लगा सकते हो, अगर आपको जो नीम पाउडर वाला फेस पैक अगर आपको चाहिए तो वो लगा सकते हो, ऐसा आपको जिस भी फेस पैक अच्छा लगता है आप लगा सकते हो। तो ये भी हो गया फेस पैक। अभी और एक स्टेप है जो है सनस्क्रीन वाला स्टेप। अगर आप बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट फॉर यू, बिकॉज अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो ये जो आप स्टेप फॉलो करते हो हर रोज़, ये फेस वॉश, टोनर, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड पैक वाला रूटीन, उसका जो इफ़ेक्ट आपको चाहिए होगा ऐसा इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सनस्क्रीन आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो मेरे पास जो अभी सनस्क्रीन है वो भी एक कोरेक्स का सनस्क्रीन है, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ कोरेक्स सनस्क्रीन जो 50 SPF में है, एलो सूदिंग सनस्क्रीन। ये बहुत अच्छा है और इसके लगाने का बाद मेरा जो स्किन है वो पैची सा नहीं लगता है। तो अभी रिसेंट में मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका ये नहीं यूज़ करने का मन है तो आप लोटस वाला भी यूज़ कर सकते हो इजीली, क्योंकि मैं ये भी यूज़ करती हूँ और इससे भी मुझे ज़्यादा पिंपल नहीं होता है। तो ये तो है मेरा जो है सनस्क्रीन। मैं जब बाहर जाती हूँ तो अगर मैं मेकअप भी करती हूँ तो पहले मैं बेस मेकअप में जो है सनस्क्रीन लगाकर ही मेकअप करती हूँ, तो इससे मुझे मेरा पोर्स भी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता है और मुझे पिंपल्स के भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये है मेरा फेस क्या हो गया सनस्क्रीन। एंड आई हैव वन मोर थिंग टू शो यू, बट इट इज़ एक्स्ट्रा स्टेप आई कैन सी, बिकॉज आप अगर आप चाहते हो अपने स्किन को थोड़ा और नरिशमेंट ला दो और खुशी लगे अपना जो स्किन, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये जो है सीट मास्क है, जो टोनी मोली का सीट मास्क है, ये मैं यूज़ करती हूँ वीक में एक बार यूज़ करती हूँ। इसमें एक मास्क होता है जो अच्छे से वाइट कलर का मास्क होता है, वो आप ऐसे करके अपने मुंह में डाल के थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, गाने सुन ले हो, जब भी चाहे आप लोग कर सकते हो, उसके बाद वो खोल दो। बस ये आपका जो है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं नहीं बोल सकती कि रातों रात आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट हाँ एक फ्रेशनेस आपको चेहरे पे मिलेगी जो बहुत ही सुकूनदायक होता है। और मैं कहूँगी कि ये जो सीट मास्क है आप हमेशा रात को ही लगाइएगा सीट, बट ये जो है ये स्टेप नेसेसरी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो मत लगाओ, कोई बात नहीं, ये नेसेसरी स्टेप नहीं है। तो ये हो गया मेरा आज का स्किन केयर रिजोमे जो मैं अभी रिसेंट में फॉलो कर रही हूँ। तो आप भी याद रखिए, ये स्टेप आपको नहीं स्किप करना है। पहले हो गया फेस वॉश, देन स्क्रबिंग, देन टोनर यूज़ कर सकते हो आप, देन जो हो गया मॉइस्चराइजर, और वीक में 2 दिन फेस पैक।
बस ये आप करो वीक में और एक ही वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिला। तो ये था मेरा आज का स्किन केयर का रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिला। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास आऊँगी। टिल देन टाटा बाय बाय।